हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमरप्रीत, वेलकम टू माय चैनल। आज Zee5 पर स्टेट ऑफ सीज टेंपल अटैक रिलीज़ की गई है। ये अक्षय खन्ना सर की पहली ओटीटी फिल्म है, ये उनका ओटीटी डेब्यू है। Zee5 पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में आज इसे रिलीज़ किया गया है। ये अक्षरधाम पे हुए 2002 में जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उससे इंस्पायर्ड होके, वैसे फिक्शनल कहानी बनाई है, उससे इंस्पायर होके इस फिल्म को बनाया गया है। और रियल लाइफ टेररिस्ट अटैक पे जो NSG के स्पेशली सोल्जर्स थे, जो कमांडोज थे, उन्होंने किस तरीके से उस सीज को बचाया था, और वहाँ के होस्टेजेस जिन्होंने आतंकवादी थे, चार आतंकवादी थे, उन्होंने जो बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत सारे लोग वुंडेड हो गए थे, बहुत सारे लोगों को एज अ होस्टेज वहाँ पर रख दिया गया था, उनको कैसे बचाया था, सर उसी के बारे में कहानी है। अक्षय खन्ना सर और जो बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, सबका काम काफ़ी बढ़िया है। कुछ कुछ जहाँ पर सीन से आपको देख के लगता है कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। और स्पेशली जो टेररिस्ट का जो पंजाबी एक्सेंट है, वो कभी कभी आपको सुन के लगे कि यार ये तो लोकल जो दिल्ली और पंजाब में ऐसे पंजाबी बोलते हैं, वैसे ही पंजाबी एक्सेंट है। एक्चुअली जो पाकिस्तानी जो लोकल पंजाबी एक्सेंट है, वो भी कुछ इसी तरीके का है। बहुत ज़्यादा फिल्मों में हम इसे नहीं देखते हैं, तो आपको शायद कहीं कहीं जो ये जो चार टेररिस्ट होते हैं उनका जो एक्सेंट है सुन के लग सकता है कि यार ये तो लोकल पंजाबी एक्सेंट टाइप में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैसा ही होता है। सो यस, कुछ कुछ नया दिखाया गया है कि जो पंजाबी एक्सेंट है उसमें ज़्यादा बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उर्दू का मिश्रण भी होता है उसमें। सो जो ओवरऑल कहानी है, जो टेररिस्ट का पार्ट है या NSG कमांडर्स के बारे में है, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटाइज तो नहीं किया गया है बहुत जगह पर, काफ़ी जो रियल रखा गया है इसको। एक्शन इसका बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो होस्टेजेस को बचाना हो या टेररिस्ट और सोल्जर्स के बीच में, दोनों के बीच में अटैक हो, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। क्योंकि ये जो टेररिस्ट और सोल्जर्स के बीच में हमेशा जो लड़ाई दिखाई जाती है फिल्मों में, बहुत जगह इसको ओवर ड्रामेटाइज कर दिया जाता है, और उसको हम बहुत बार देख चुके हैं। थोड़ा रियल जब रखा जाए तो हमें वो देखने में, और जो डायलॉग एक्सचेंजेस है उसको भी थोड़ा रियल देखने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि उनको ओवर ड्रामेटाइज कर दिया जाए। सो एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, सिनेमाटोग्राफी, फर्स्ट पार्ट में जब मनाली कश्मीर के कुछ कुछ जगह पे का शूट दिखाते हैं, वहाँ का काफ़ी बढ़िया है सिनेमाटोग्राफी, और इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। सो मेरी तरफ से दिस वॉज अ गुड वॉच ऑन Zee5। इसे आप जाके Zee5 पे ज़रूर ज़रूर देखिए। बहुत ज़्यादा बढ़िया फिल्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अ गुड वॉच। सो गो अहेड, वॉच दिस ऑन Zee5। आज ये रिलीज़ हो चुकी है, एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दें। अपना ख्याल रखो, आई विल सी यू अगेन।